नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोल गुंबद के इतिहास के बारे में। जी हां, इसका निर्माण फ्रांसीसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने करवाया था। इसको बनाने का कार्य 1626 में आरंभ किया गया और 1656 ईस्वी में पूरी तरह से यह बनकर तैयार हुआ था। इस गुंबद का निर्माण करने में करीब 30 साल का समय लगा था। तो चलिए दोस्तों आज हम इसी गोल गुंबद के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। इसकी संरचना के मूल में 47.5 मीटर की भुजाओं वाला एक घन है, जिसके ऊपर 44 मीटर बाह्य व्यास वाला एक बड़ा गुंबद है। इस घन के चारों कोनों पर गुंबद नुमा छतरी से ढके हुए अष्टकोणीय सप्ततलीय अट्टालिकाएं या मीनारे बनी हुई है। मकबरे के मुख्य हॉल के अंदर चारों ओर सीढ़ियों से घिरा हुआ एक चतुर्भुजकार चबूतरा है। इस चबूतरे के बीच एक कब्र का पत्थर है, जिसके नीचे इसकी असल कब्र बनी है। इसके बड़ी दीवारों वाले गार्डन में 51 मीटर की ऊंचाई और 1700 वर्ग मीटर का क्षेत्र कब्र बनाने के लिए निर्मित करवाया गया था। मकबरे के गुंबद के आंतरिक परिधि पर एक गोलाकार गलियारा बना हुआ है, जिसे अंग्रेजों ने व्हिस्परिंग गैलरी अर्थात फुसफुसाने वाला गलियारा नाम दिया है। मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद ऊपर चढ़ने के लिए 100 से ज्यादा संकरी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यदि कोई 7 मंजिल की चढ़ाई पर है, पर रास्ते में विश्राम स्थल और झरोके के कारण चढ़ाई रुचिकर बन जाती है। 18,000 वर्ग फीट में बना यह विश्व का सबसे बड़ा एकल कक्ष वाला मकबरा है। इसके निर्माण में किसी मध्य आधार का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस गैलरी में आवाज 7 बार गूंजती और एक तरफ से दूसरी तरफ बिल्कुल साफ सुनाई देती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित इस इमारत में प्रवेश शुल्क 15 रुपए है। कैमरे या वीडियो कैमरे का शुल्क अलग से है। टिकट घर के पास ही एक क्लॉक रूम भी मौजूद है, जहां आप अपने बैग आदि जमा करवा सकते हैं। क्लॉक रूम का शुल्क 10 रुपए प्रति वस्तु है। इसकी सबसे खास बात है कि यह भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। यह गुंबद सेंट पीटर्स के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला स्मारक है। गोल गुंबद के ऊपर से पूरे बीजापुर शहर का बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई पड़ता है। गोल गुंबद के भीतर एक कैंटीन भी है, इसके साथ ही बाहर भी खाने पीने का अच्छा खासा प्रबंध किया गया है। इस गुंबद की खूबसूरती को देखने के लिए पूरी दुनिया से हर साल लाखों की संख्या में लोग कर्नाटक घूमने आते हैं। इसकी दूरी रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर है। ऑटो रिक्शा से 10 रुपए देकर आप यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।